ग्यारहवीं किस नशेवी रास्तों पर उगे हुए दरख्त एक के पीछे एक भाग रहे थे हवेलियाँ सेप्टा तक के सफ़र में लाता छोटे छोटे पहाड़ थे इन पर छोटे बड़े घर बने हुए थे इन घरों में जिंदगी रवा दवा हो चुकी थी बिल्कुल ऐसे ही जैसे संदल की हवेली में सुबह होते ही जिंदगी शुरू हो जाती थी वो देखती जा रही थी पहाड़ों को घरों को दरख्तों को और मीर्ज़ात को जो उसके साथ बैठा ड्राइविंग कर रहा था उसके मजबूत हाथ स्टेयरिंग पर कसे हुए थे क्योंकि रास्ता ऊंचा नीचा था और ड्राइविंग बहुत एहतियात मांग रही थी वो अफशीन के काम से निकली थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद कहीं जा रही हो हवेलियाँ शहर से बाहर निकलना हसीन तर लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे शहर से निकल कर तक का सफ़र करना दुनिया का हसीन तरीन सफ़र हो वो दुआ कर रही थी कि ये सफ़र कभी ना ख़त्म हो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं संदल मीर साथ ने वो सवाल काफ़ी देर बाद पूछा था जो उसे पहले पूछ लेना चाहिए था हम एक काम से जा रहे हैं जाहिर है काम से ही जा रहे हैं इतनी इमरजेंसी में काम से ही जाया जाता है जितनी सुबह तुम तो मेरे घर आ गई थी मुझे तो लगा अल्लाह है करे कोई बीमार ना हो गया हो और उसे लेकर बड़े अस्पताल ना जाना पड़े अल्लाह ना करे मैं तो तुम्हारी उजलत पर कह रहा हूँ जिसके लिए जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी मौत का ही मसला है संदल ने कहा तो मीर साहब ने ड्राइविंग करते हुए उसे देखा संदल के संजीदा अंदाज से उसे फिक्रमंद किया था ऐसी क्या बात है हम हाँ अफशीन के लिए जा रहे हैं अफशीन के लिए क्यों क्योंकि वो दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर चुकी है मीर वो क्या होता है मीर साहब ने सवाली अंदाज में संदल को देखा था मोहब्बत वो मोहब्बत कर चुकी है मोहब्बत खतरनाक खेल है वो बनावटी मसूमियत से पूछने लगा खतरनाक से भी कुछ ज़्यादा मेरे पास इससे भरकर अल्फाज नहीं था इसलिए मैंने ये लफ्ज़ बोला क्या तुम तो ये खतरनाक खेल खेलोगी मीर साद ने उसकी आँखों में झांकते हुए सवाल पूछा था संदल ना चाहते हुए भी ऐसे सहाय कर गई थी जैसे वो मीर के सवाल पर घबरा गई हो मीर उसके घबराने पर मुस्कुराया था वो उसे क्या जवाब देती कि वो ये खेल खेल रही है खतरनाक तरीन खेल उसे मक्खियों के खगे में हाथ डाल दिया था अब या तो उसके वजूद में सिस्कारियाँ भर जाने वाली थी या उसके हिस्से में शहद आने वाला था तुमने जवाब नहीं दिया शायद मोहब्बत एक ऐसा खेल है कि इंसान जानते हुए भी कि इस खेल के सारे ही हिस्से हतरे से खाली नहीं इस खेल को खेलने से बाहर नहीं रहता ये किस नावल की लाइन है वो मुस्कुराया था पता नहीं लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो मीर साथ ने उससे इतफाक़ किया था मेरी सोच के मुताबिक फ़र्क इतना है कि ये ख़तरनाक खेल से ज़्यादा शतरंज की बाजी है सारी चालें आपको आती हैं सारे दोपेट सीखे हुए हैं इसके बावजूद वक्त और हालात की वजह से चालों में हेर फेर हो जाता है खुद फतेह या शिकस्त इंसान के लिए नहीं होती है जीतने वाला सोच रहा होता है कि वो हार भी सकता है और हारने वाला आखिरी लम्हे तक खुद की जीत के लिए पुरुद होता है मीर साद़ ने इतने अच्छे अंदाज में बात की थी कि संदल उसे देखती रह गई थी उसका फलसफा उसकी बात से कहीं ज़्यादा गहरा था एक और बात संदल ने नोट की थी ये बात करते हुए या करने के बाद मीर एकदम से ही बुझ गया था जैसे यहाँ तो वो कुछ हार रहा हो या हारने के करीब हो बाकी का काफ़ी सफ़र खामोशी में कटा था संदल उससे बातें करती रही थी और वो बस हूँ हाँ मैं जवाब दे रहा था उसे अपनी गलत चाल का दुख खाया जा रहा था उससे सही चाल गलत वक्त पर चल रही थी या गलत चाल सही वक्त से पहले चल रही थी एक तरफ संदल थी जो उसके असाब पर सवार होती चली जा रही थी और दूसरी तरफ तानिया थी उसके बहन की बहन जिसे जोया भाभी बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी मेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह संदल और जोया में से किसका दिल दुखाए लेकिन फिर एक रात अच्छे से अपना हिसाब कर लेने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि ये संदल और तानिया के दुख का खेल नहीं है बल्कि ये तो खुद उसके और उसकी बहन सोया के दुख का खेल है उसे अपने दिल की और सोया के दिल में से किसी एक की परवाह करनी थी अपनी खुशी के लिए वो खुद गर्ज हो सकता था लेकिन सोया जो एक अरसे बाद माँ बनने वाली थी वो उस बात को दिल पर लेकर किसी भी तरह की का शिकार हो सकती थी बस यही बात उसे मुबला किए हुए थी क्या हम ऐप्टाभा की हदूत में दाखिल हो चुके हैं हाँ क्या ऐप्टाभा का मौसम हमेशा ही इतना हसीन होता है? नहीं, जब मैं पिछली बार आया था तो तब ऐसा नहीं था लगता है कि कोई हुसन तुम्हारी आँखों में उमड़ आया है तुम्हें हर चीज हसीन दिखने लगी है और उसे क्या जरूरत थी इतनी दिलफरेब बातें करने की संतल ने उसे देखा तो उसका दिल किया था कि यह सफ़र कभी ख़त्म ना हो बस भरता ही रहे ऐबावाद और बहुत दूर चला जाए दीन हवेली की सुर्ख छत पर टहलती अफशीन की जान पर बनी हुई थी उसने खुद को ऊपर छत पर छुपा लिया था क्योंकि उसे चांद अम्मी के आगे नित नहीं झूठ बोलना पड़ रहे थे सुबह उसने कहा था कि संदर उसके लिए बाजार से कुछ चीज़ें लेने गई है चांद अम्मी ने उसके जवाब पर हैरत से उसे देखा था इतनी सुबह सुबह अफशीन को ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी कि उसे संदल को बाजार भेजना पड़ा था फिर इतनी सुबह सुबह तो अभी बाज़ार खुलते ही नहीं उसके बावजूद उन्होंने अफशीन की बात पर यकीन कर लिया था दोपहर तक उसने इसी झूठ को चलाया था अफशीन की किस्मत अच्छी थी दोपहर में चाँद सो गई थी जबकि चांद दोपहर को सोने की आदि ना थी वो काम वाले मुलाजमिन को भेजकर फिर ही अपने कमरे में आराम करने जाया करती थी वाक़ी की कज़न्स भी दाएँ बाएँ के कामों में मशगूल रही थीं किसी को संदल के बहुत देर से गैर हाजिरी पर ताजुब नहीं हुआ था सापहर में भी जब चांद सोकर उठी तो अफशीन ने उससे कह दिया था कि संदल तो सारी दोपहर हवेली में ही रही है और सतार की मश करती रही है और बस अभी अभी बाहर गई है सोया से मिलने चांद को अफशीन की बातों पर शक हुआ था लेकिन उसे यकीन करना पड़ा था क्योंकि अफशीन का माजी बेदाग रहा था घर वालों ने उसके हाथों फरेब ना खाया था वरना उसकी झोलदार बातों पर तो कोई पागल भी यकीन ना करता अब जो जो शाम गहरी हो रही थी अफशीन को फिक्र हो रही थी संतल का कहीं अता पता नहीं था वो संदल की गैर हादसे के मुतल मजीद झूठ नहीं कर सकती थी दूसरा उसे संतल का इसलिए भी इंतज़ार था कि वो उस तक आदिल की खबर लाए कि वो कहाँ है और कब तक वापस आएगा और तीसरी सबसे अहम बात क्या आदिल ने इतने दिनों में से याद किया याद किया तो कितना याद किया आदिल ने उसे कभी खत नहीं लिखे थे लेकिन फिर भी उसे बेचैनी से आदिल के हथूत का इंतज़ार था वो ये बात भूली हुई थी कि आदिल बेचारा अपनी बीमार माँ के साथ अस्पताल में रह रहा है और अस्पताल में मोहब्बतों को कौन याद रखता है बेकरार तो सुबह से सोया भी थी मीर सुबह से गायब था दिन चढ़े वो उसके कमरे में उसे उठाने गई तो उसे पता चला था कि मेरे कमरे में मौजूद नहीं है मुलाजिम को चाहते वक्त उसे इतना बताया था कि अब्टाबाद किसी ज़रूरी काम से जा रहा है किस जरूरी काम से जा रहा है उसे ये नहीं बताया था जबकि वो तो बाजार खाना वगैरह भी लेने जाता था तो जोया का ज़रूर बता कर जाता था चाहे उसे सोती हुई जोया को नींद से जगा कर ही क्यों बताना ना पड़े माजी में उसका कभी शायद ही अब्टाबाद जाना हुआ हो मुलाजिम ने बताया था कि वो अकेला गया है लेकिन दिल के अंदर का शक था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था उसके जहन में एक आइडिया आया था उसने मुलाजिम के हाथ तीन हवेली में पैगाम भिजवाया था कि वो संदल को याद कर रही है क्या संदल उसे आकर मिल सकती है मुलाजिम जो जवाब लाया था उससे सोया को चकरा दिया था वो कह रहे हैं कि संदल घर पर मौजूद नहीं है आएगी तो उसे पैगाम दे दिया जाएगा ये दोपहर की बात थी उसने शाम को फिर से मुलाजिम को वहाँ भेजा था फिर से वही जवाब दिया गया था मीरजाद गायब था और संदल भी ये इतफाक था या मंसूबा? सोचते हुए सोया के माथे की शिकने गहरी होने लगी। उसे महसूस हुआ था उसका अपना भाई उसके साथ कोई खेल खेल रहा है उसे खेल से ज़्यादा इस बात पर गुस्सा था वो इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गई मीर ने उसे समझ क्या रखा है ठीक है मीर अब मैं तुम्हें बताऊंगी इस खेल को मैंने किस वक्त आश्कार करना है मैं तानिया के साथ सयाती नहीं होने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए और सोया अपना एहतसाब करती तो जान जाती कि उसे तानिया की रति बराबर परवाह नहीं थी उसे तो बस संंदल से हार थी वो लोग ग्यारह बजे के करीब अबदाबाद पहुँचे थे और फिर आदिल को ढूंढने में उन्हें दोपहर हो गई थी आदिल के दोस्त ने उन दोनों की बहुत अच्छे से तवाज़ा की थी उन्हें खाना खिलाया था और जब संदिल को ये पता चला कि वो इन दोनों को मियाँ बीवी समझता रहा था तो संदिल की कितनी देर हंसी ही बन नहीं हुई थी ये हंसी हफत मिटाने से ज़्यादा ऐसी थी जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो जबकि मीरजाद खामोश रहा था खाने के बाद आदिल के दोस्तों ने आदिल के पास भेज दिया था आदिल बेचारा अपनी बीमार माँ के सराहाने बैठा बेहद परेशान नजर आ रहा था डॉक्टर ने उसकी माँ को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया था ऐसे में बेचारे आदिल की आंखों में वक्त से पहले ही अपनी माँ की मौत का दुख नजर आने लगा था संदल ने उसे अफशीन के सारे लिखे हथूत धमा दिए थे और उसके साथ सफ़ानी पैगाम भी दे दिए थे वो बहुत परेशान है तुम्हें जल्द उससे मिलना होगा मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं उससे ज़्यादा परेशान हूँ यहाँ मजबूरी में रुका हुआ हूँ डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी वक्त अम्मी के दिन पूरे हो सकते हैं आदिल की बात पर संदल को दुख हुआ था वो अफशीन से ज़्यादा मशहूर था मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ आदिल लेकिन तुम यही समझ लो कि वहाँ अफशीन के दिन भी बस पूरे होने वाले हैं अगर तुम ना पहुँचे तो वो मर ही जाएगी उसे कहो कि चंद दिन सब्र कर ले चंद दिन क्यों तुम कल ही आ जाओ अम्मी बीमार हैं मैं कैसे आ सकता हूँ अगर अम्मी की तबीयत ना संभली तो मैं किसी दिन अपने दोस्त को अम्मी के पास बिठाकर उससे मिलने चला आऊँगा लगता है तुम बात नहीं समझ रहे हो बात अफशीन से मिलने की नहीं है बात यह है कि उसकी शादी के लिए घर पर रिश्ते आना शुरू हो गए हैं तुम्हें तो चल उसके घर अपनी माँ को भेजना होगा आदिल को सारी बात अब समझ में आई थी अफशीन की मजबूरी समझने की कोशिश करो वो लड़की साथ है ऊपर से तुमसे मोहब्बत कर बैठी है मोहब्बत सदा लड़की से ज़्यादा मजबूर दुनिया में कोई नहीं होता संंदिल की बात ने आदिल को चुप कर दिया था तुम्हारी मजबूरी एक तरफ और अफशीन की बेबसी एक तरफ मैं बहुत मुश्किल से तुम तक पहुंची हूँ मुझे कोई एक बात तो ऐसी करो कि जिससे अफशीन को तसल्ली हो मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा मुझे दिन बताओ आदिल अम्मी के मरने के बाद आदिल ने सपाट चेहरे के साथ कह दिया था संदिल खामोश हो गई थी और बाहर चली गई थी वो पहले से परेशान को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी चलो जीप में बैठते हुए मीर के पास पहुँच उसने कहा था कितने हाथ लिखे थे अफशीन ने गाड़ी जब सड़क पर आ गई तो उससे पूछा था मुझे नहीं अंदाज़ा बहुत से होंगे क्या तुमने पढ़े हर चीज नहीं मैं क्यों किसी के हाथ पढ़ूंगी? इस तरह शायद तुम्हें भी हाथ लिखना आ जाते उससे मुस्कुराते हुए कहा था संदिल खामोश हो गई थी अब उसे क्या बताती कि वो उसे कहे तो सही कि वो उसे चाहता है हत तो क्या उसकी हाथिर देवान पर लिख सकती है और एन जिस लम्हे संदल ये बात सोच रही थी मीर तक उसकी बात कशिफ़ की सूरत ज़ाहिर हुई थी मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकता हूँ संदल मैं वो मुसाफिर हूँ जो दो कश्तियों में पाँव रख चुका है अब कश्तियों का तो पता नहीं लेकिन वो मुसाफिर टकमगा रहा है मीर ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं हम आए तो किसी और रास्ते से थे उसने मीर से पूछा था मीर ने कोई जवाब नहीं दिया था वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा था और सुबह से लेकर अब तक के सफ़र में पहली बार संदल का एहसास हुआ था कि वो एक मर्द के साथ अकेली बाहर है मीर हम कहाँ जा रहे हैं जन्नत में वो अहमदाबाद में मौजूद है जन्नत तो नज़रों में होती है एहसास में होती है समात में होती है वो पहाड़ों पर ड्राइविंग करने लगा था आते वक्त वो पहाड़ देखती आई थी लेकिन किसी ऐसी सड़क पर उनकी जीप नहीं चली थी जो पहाड़ को काट कर बनाई गई हो अब उनकी जीप पहाड़ की सड़क पर चढ़ रही थी सुनसान इलाके में जहाँ दाएं बाएँ इतने दरख थे कि वहाँ आसानी से घुम हो आ जा सकता था मीर हम कहाँ जा रहे हैं वो सचमुच घबरा गई थी क्या मीर उसका फायदा उठाना चाहता है दो मिनट खामोश होगी तुम उससे रोब से कहा था संदल के पास तबक कर बैठने की बजाय भला और हल ही क्या था दो मिनट तो नहीं पूरे तीन मिनट के बाद मीर साथ की जीप रुकी थी नीचे उतरो वो नीचे उतर आई थी और अपने दाएं बाएं देखने लगी थी दरख्तों से घिरा हुआ वो एक छोटा सा कतह जमीन था जिसके तीन तरफ ऊंचे पहाड़ थे और एक तरफ चमकता हुआ सूरज इस कतह ज़मीन पर एक घर भी था जो कि अभी नामुकम्मल था इस जगह को ठंडियानी कहते हैं और ये मेरा घर है मीर ने उसे बताया था संदल ने खुशगवार हैरत से उसे देखा था क्या सच में हाँ लेकिन अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताया जोया आप ही को भी नहीं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मैं शादी के बाद इस घर में रहना चाहता हूँ दुनिया से अलग थलग एक पुरसकून गोशे में इसीलिए इस घर को मैं बहुत दिल से तैयार करवा रहा हूँ और सबसे पहले तुम्हें दिखाने लाया हूँ तुम ये घर मुझे दिखाने क्यों लाए हो मीर क्योंकि मैं इस घर में तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ मीर ने कहा था और संदल की समात पर यह जुमला बार बार टकराया था वो फटी हुई आंखों से मीर को देखने लगी थी जो बात वो मीर के मुंह से सुनने के लिए बेताब थी वो जब मीर ने कह दी थी तो उसे यकीन क्यों नहीं आ रहा था इस घर में रहोगी मेरे साथ उसके बेहद करीब हुआ वो पूछ रहा था संदल ने इस बात में सर हिला दिया था और जन्नत तो नजर में है महसूस करने में है समात में है संदल को लगा कि वो इस वक्त जन्नत के किसी खूबसूरत तरीन गोशे में मौजूद है वो कोई फरिश्ता उससे मीठी मीठी बातें कर रहा है तहमीना पप्पो को चुप लग चुकी थी वो कल से चुप चुप थी चाँद ने पूछा था कि उन्हें आने वाला रिश्ता कैसा लगा वो तब भी चुप रही थी कोई जवाब नहीं दे सकी थी ऐसे जैसे उन्हें सख्ता हो गया हो या ऐसे जैसे उनका कोई बहुत प्यारा फोत हो गया हो पच्चीस सालों के बाद उन्हें आज ऐसा लगा था जैसे वो आज बेवा हुई हैं जब इनसे उम्र में काफ़ी कम वस्तामी ने उन्हें गर्दन से दबोच लिया था और सिर्फ दबोचा नहीं था बल्कि उनसे हिसाब किताब मांग लिया था उनका दिल किया था कि वो वस्तामी का मुंह तोड़ दें लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी वो बसामी के घर में रह रही थी पहले उसके बाप का और अब उसका दिया हुआ खा रही थी पहन रही थीं वो उसका मुँह कैसे तोड़ सकती थी आज उन्हें लगा था कि वो तनहा हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा तनह तन्हा उन्हें अपने शोहर के कत्ल होने का दुख इस वक्त नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था वो अब रोते हुए खुदा से शिकवा कर रही थी कि वो क्यों बेवा हुई खुदा ने क्यों उनके शोहर को उनसे छीन लिया फिर उनके जहन में मुख्तफ ख़यालत आने लगे थे ये कि बेवा होने से बेहतर था कि उन्हें तलाक हो जाती उनकी बच्चियों के पाप का साया तो उनके सर पर होता बेशक वो उनकी जिंदगी में ना होता लेकिन उनकी बच्चियों का कोई मालिक तो होता उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो हिजरत के वक्त में जी रही हों और बुलावियों ने उनकी बेटियों की इज्जत पर हमला कर दिया हो क्या नवाब का रिश्ता आपको पसंद नहीं आया पुप्पो चांद ने पूछा था ऐसी बात नहीं फिर आप खुश क्यों नहीं हैं मैं खुश हूँ बहुत खुश हूँ तहमीना पप्पो ने कहा था और फिर हंसने लगी थी बहुत खुश हूँ मैं तहमीना पप्पू ऐसे हंसी थी कि चांद ताजुप उन्हें देखने लगी थी ये आज तहमीना पप्पू को क्या हो गया था तो फिर आगे क्या इरादा है हम सब ने कब जाना है लाहौर उनका घर बार देखने इसकी जरूरत नहीं बस तामी सब देख चुका है सब देख चुका है उसकी तसल्ली है बस अब जल्दी अफशीन को रुस्त कर देना है तहमीना पप्पू जैसे कहीं ना देखते हुए गोया हुई थी ताकि कुछ तो हिसाब किताब बेबाक हो कुछ तो कर्ज़ उतरे कौन सा कर्ज कौन सा हिसाब कुछ नहीं तुम नहीं समझोगी चांद। तैमिना भूपो कहकर उठी थी और अपना ट्रंक खोलने लगी थी जिसमें उनका कुछ पुराना सामान मुद्दों से महफूज पड़ा था चांद उन्हें ऐसे करते हुए देखती जा रही थी शादी कब तक करने का इरादा है बस सामी ने कहा है कि अगले हफ्ते निकाह है इतनी जल्दी इतनी जल्दी में तो इतनी बहुत सी तैयारी कैसे होगी कैसी तैयारी चांद सारा जहेज बनाना है कितनी बहुत सी चीज़ें लेनी है जहेज नहीं चाहिए उन लोगों को बहुत अमीर हैं वो लोग बस चंद जोड़े दूंगी मैं अफशीन को वो ट्रंक का सामान दाएं बाएं कर रही थी चंद जोड़े क्यों लड़के वाले तो ऐसे ही कहते हैं पुप्पो फिर बारात का इंतज़ाम करने के लिए भी तो वक्त चाहिए कैसी बारात वहाँ से बस तीन चार अफराद आएंगे उनका क्या इंतज़ाम करना तहमीना पप्पो ने बताया था चांद ने कुछ अजनम्भे सुने देखा था ये देखो कैसा है ये जोड़ा निकाह वाले दिन के लिए अफशीन के लिए सिलवा लेती हूँ वो ट्रंक से एक पुराना जोड़ा निकाल कर चांद को दिखा रही थी इतने पुराने जोड़े देने की क्या ज़रूरत है हम अफशीन के लिए सब नया खरीदेंगे चांद ने ट्रंक के जोड़ों को देखते हुए कहा था नए जोड़ों के पैसे कहाँ से आएंगे चांद तहमीना ने गहरा सांस लिया था और हैरत के मारे चांद का तो जैसे सांस ही घुम हो गया था कैसी बातें कर रही हैं तैमीना पप्पो? क्या आगे आज तक आपसे किसी ने पैसों का मुतलबा किया है अब किया है तैमीना पप्पो की आंखों में दुख ही दुख उतर आया था किसने और ऐसे किया है कि मैं लम्हे भर में कंगाल हो गई हूँ मुझे एहसास हो गया है कि मेरे पास कुछ नहीं ना अपने लिए और ना ही अपनी बेटियों के लिए मैं हाक हूँ आप क्या बोलती जा रही हैं पप्पो छोड़ो क्या बेकार बातें करने लगी हूँ मैं ये बताओ, ये जोड़ा कैसा लगेगा अफशीन पर वो एक पुराना सा सूट चांद को दिखाने लगी थी वो पुराने सूट को देखते हुए चांद को समझ में नहीं आया था कि वो तो तहमीना से क्या कहे वो तो बस यही बात सोच रही थी कि आज तहमीना पप्पो को हो क्या गया था आने वाले दिनों में किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि हवेली में ये सब क्या हो रहा है अजीब से दिन थे वो रात के आलम को अपने अंदर समोए हुए अफशीन को तेज बुखार चढ़ गया था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था तेमिना बु चुप हो गई थी ऐसे जैसे जिंदगी भर उन्होंने एक लफ्ज़ ना बोला हो और बस अफशीन की शादी की तैयारियां ऐसे करने लगा था जैसे अपनी सगी बेटी को बहाने जा रहा हो ये शादी ऐसी हो रही थी जैसे किसी के मरने के बाद कफन दफन का इंतजाम किया जाता है कोई गहमा गहमी नहीं थी कोई तैयारी नहीं हो रही थी बाकी सब समय चांद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या माशरा है तहमीना क्यों चुप है अफशीन क्यों बीमार है उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ही अनहोनी बात उनसे छुपाई जा रही हो अफशीन की शादी में मर्जी नहीं थी तो उसकी शादी यहाँ क्यों की जा रही थी तहमीना की मर्जी नहीं थी तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो यहाँ शादी कर रही थी मैं मर जाऊंगी संतल मैं बता रही हूँ मैं मर जाऊंगी ऐसा कुछ नहीं होगा अफशीन क्यों फिक्र करती हो आदिल बस आने वाला होगा उसके आने से क्या होगा यहाँ मेरी माँ ने मेरी शादी की तारीख रख दी है मुझे तो तैमीना पुप्पा पर हैरत है वो जानती भी हैं कि तुम्हारी मर्जी कहीं और है फिर उन्होंने लाहौर वाले रिश्ते को रसामंदी क्यों दे दी मुझे नहीं पता संदल कुछ करो मैं मर जाऊंगी अफशीन बुरी तरह से रोने लगी थी संदल का सब जवाब दे गया तो गुस्से से तेमेना पोपो के पास पहुंची थी मैं जानती हूँ तुम क्या बात करने आई हो संदल आप एक बार आदिल से मिल तो लें आपने उसे बिना देखे ही मुस्तरद कर दिया है मैंने उसे मुस्रद नहीं किया है संदर। मुझसे ये हक़ छीन लिया गया है कि मैं उसे कबूल करूं। क्या मतलब तुम नहीं समझोगी संदल अभी तुम बहुत छोटी हो और मेरी बातें बहुत बड़ी ना सही तो गहरी जरूर हैं तुम तो मेरा एक काम कर सकती हो जी कहिए अफशीन से कहो कि वो चुपचाप इस जगह पर शादी करवा ले लेकिन पुप्पो संदल मैंने कहा ना बहुत सी बातों को तुम नहीं समझ सकती आम हालात होते तो मैं अपनी बेटी की पसंद को ज़रूर अहमियत देती वो जहाँ कहती उसकी शादी वहाँ कर देती लेकिन लेकिन अब ऐसा क्या हो चुका है पुप्पो बेटी की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है उसे समझाओ कि उसका बाप मर चुका है वो एक यतीम लड़की है और यतीम लड़कियाँ अपने पालने वालों के पास गिरवी होती हैं संदल ना समझी से उन्हें देखने लगी थी बस उससे इतना कह दो कि अगर वो अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है तो लाहौर वाले रिश्ते को कबूल कर ले तहमीना पप्पो ने कुछ ऐसी अल्तजा हमेजी से कहा था कि संदल को अफशीन से ज़्यादा उन पर तरस आ गया था उसे लगा ये औरत दुनिया की मजबूर तरीन औरत है और उसे उन्हें समझाने के बजाय अफशीन को समझाना चाहिए निकाह का दिन नज़दीक आ गया था और हवेली वाले इसी आस में थे कि कोई उनसे कह दे कि ये निकाह नहीं हो रहा लेकिन निकाह होने जा रहा था नवाब के पांच अफराद पर मुश्तमल बारात हवेली तक पहुंची थी और नवाब को देखकर कर लड़कियाँ बेहोश होते होते रह गई थीं वो अफशीन का बाप नहीं दादा लग रहा था वो अफशीन से उम्र में इतना बड़ा था कि ति अगर तिबी उम्र को मद्देनजर रख कर देखा जाता तो कयास था कि अफशीन अगले पाँच सालों में बेवा होने वाली थी चांद ने शदीत तरीन हैरत से तहमीना पप्पो को देखा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या मुंतब किया है तहमीना पप्पू नजरें चुरा गई थी उनके पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था अफशीन खुदकुशी नहीं कर सकी थी जहर जब उसके हाथ में था और उसे मुँह में डालने ही लगी थी तो उसे तब अंदाज़ा हुआ था कि ये काम आसान नहीं है उसके लिए औरत को भी मरदानगी की ज़रूरत पड़ती है वरना आसान नहीं मौत को खुद से गले लगाना बहुत हिम्मत मांगता है और वो बहुत बेहिम्मत थी इसलिए वो रो रो कर पागल होती रही थी निकाह वाले दिन तक उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिसम से रूह निकल गई हो रोना होना सब खत्म हो चुका था क्योंकि आंसू ख़त्म हो चुके थे वो बिना किसी धात के ठोस मुजस्मा बन चुकी थी शाम के वक्त अफशीन की रुसती कर दी गई थी और अफशीन हवेली से हमेशा हमेशा के लिए रुसत हो गई थी एन उन्हीं लम्हों में आदिल अपनी मरी हुई माँ का शोक बनाकर वापस लौटा था बनी अफशीन कार में बैठ कर वुस्सत हो रही थी आदिल हक्का पक्का अफशीन को कार में बैठ कर वुस्सत होते देखता रहा था उसकी आंखें से फटी रही थी बल्कि उनमें खून भी उतर आया था उस रात हवेली में किसी को नींद नहीं आई थी सब ताजुब से एक दूसरे को दिखने के बाद अब खुद से सवाल जवाब कर रहे थे उनकी हवेली में पहली शादी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर गया हो खुशी के बजाय ना जाने क्यों सबका मातम करने को दिल कर रहा था सारी रात इसी सोच प्रचार में गुजर गई थी कि हुआ क्या है सुबह हवेली के बाहर लगे मजमे और शोर की वजह सब से सबकी आंख जल खुल गई थी अजीब से चीखों पुकार थी जो ख़त्म होने का नाम ना लेती थी, थी सब भुखला कर बाहर निकले थे और फिर सबकी आँखों आगे का मंजर देखकर फटी की फटी रह गई थी खास तौर पर तैमीना भुप्पू की हवेली से फासले पर पीपल के दरख्त तले जहाँ आदिल और अफशीन रात में छुप छुप कर मिला करते थे वहाँ उसी दरख्त की शाख से आदिल की लाश लटक रही थी मार्टिनी के तीन बलोरी चाम आपस में हल्के से कतराए थे ये चाम रोशन बेगम को उनके एक मदह ने इंग्लिश से भेजे थे बलोरी चाम इस कदर शफाफ़ थे किस वक्त छत पर लगे फनूस की तमाम तन रोशनी को अपने अंदर समोए हुए थे तीनों में से एक जाम रोशन बेगम के हाथ में था एक बस्तामी और एक रहबानी के हाथ में जिसमें शफाफ गंदमी सयाल था जब उनके मुंह के साथ लगा हुआ था हल्का सा खून पड़ने के बाद रोशन बेगम ने एक जानदार कहका लगाया था ये कहका जिंदगी से इस कदर भरपूर था कि पूरे हाल नुमा कमरे में किसी अंधी चमगादर की तरह चक्कर फेरियाँ लगाने लगा था बस्तानी और ओबानी के लबों पर मुस्कुराहट थी मैंने कहा था ना बस्तानी कि ये सौदेबाजी तुम्हें माला माल कर देगी रोशन बेगम ने चहक कर कहा था आज वो चहक सकती थी उन्होंने जो कहा था वैसा ही हुआ था अफशीन का लाख बस्तानी को मिल चुका था उनकी सारी बात खुफ बाखूफ सच साबित हुई थी आपने बिल्कुल ठीक कहा था तुम ऐसे ही परेशान हो रहे थे देखना अब तुम्हें कभी भी माशी तंगी नहीं होगी बस मेरे कहे पर चलते रहो अब तो आपका साथ मैं छोड़ ही नहीं सकता बस सामी खुश था बहुत खुश अभी तो बस अफशीन का सौदा हुआ है अभी तो छह हीरे मजीद मौजूद हैं रुहबानी ने भी उनकी बातों में उनका साथ दिया था हर हीरे की कीमत पिछले से ज़्यादा मिलेगी ये मेरा वादा है तुम दोनों से तीनों ने अपने अपने जाम खत्म किए थे रुहबानी ने बोतल पकड़कर कर उन्हें फिर से भर दिया था दूसरे के बाद तीसरे जाम के बाद सभी टोलने लगे थे तीनों के वजूद और लहजे गैर मुतवासन हो चुके थे पैसों का हिस्सा कब होगा रोशन बेगम कन अक्खियों से रस्सामी को देखते हुए बोली थी उनकी आवाज़ में नशे की पंडिश शरायत कर चुकी थी खुशबूदार औरत के वजूद से बदबूदार आवाज़ बरामद हुई थी अभी कर ले मैं मुलाजिम को भेज कर हवेली से पैसे मंगवा लेता हूँ नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे तुम पर इतबार है वस्ता रोशन बेगम ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा था काम ही ऐसा था कि दोनों को गुनाह के इस सौदे में एक दूसरे पर इतबार करना पड़ रहा था अब आगे क्या करना है रोबा ने तीनों के लिए छोटा चाँप बनाते हुए पूछा था मेरे ख्याल से अगला नंबर तुम्हारे घर के सबसे नायाब हीरे का ठीक रहेगा किसकी बात कर रही हैं आप संदल की रोशन बेगम ने आंखों को रोशन करते हुए कहा था बसामी बस की आंखें चमकी थी और अफवानी का सारा नशा छू हो गया था संदल लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है शोला है जरा सी धूप से आग लगवा सकती है मेरे ख्याल से उसके मामले में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बस सामी बजाय अफवानी ने फौरन से ताकीद की थी वो संदल को एक लड़के के साथ घूमते फिरते देख चुका था वो जानता था क्या हवेली में क्या आग लगने जा रही है एक तरफ चांद थी और दूसरी तरफ अस्तामी आग और मट्टी का तसादम होने जा रहा था गालिब को मान था कि मिट्टी आग पर गालिब आ जाएगी मजीद भड़के की और ये आग चांद के दिल में लगने वाली थी इस बात की रोपानी को सबसे ज़्यादा खुशी थी ये ऐसी आग थी जो चांद को जलाकर हाक्सर कर सकती थी उसके दिल को कोयला कर सकती थी इस काम में वस्तामी से ज्यादा रोहानी पुरजोश था चांद को आग में जलाने से उसे बेपना खुशी मिलने वाली थी तुम घर जाकर सारी तैयारी करो वस्तामी। संदल की रोनमाई बहुत शानदार होनी चाहिए मतलब हम संदल की बोली लगाएंगे जैसे नीलामी की तकरीब की जाती है समझो वैसा ही जिसने संदल की सबसे ज्यादा बोली लगाई उसे संदल मिल जाएगी रोशन बेगम के बात की बात पर रूपानी की आंखें रोशन हुई थी सब उससे भरकर होने वाला था जैसा वो सोच रहा था मुझे तो इन सब कामों का बिल्कुल इल्म नहीं परेशान क्यों होते हो बस्तामी मैं हूँ ना मैं तुम्हें सब समझा दूंगी नहीं ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ रोपानी दरमियान में बोला था रोशन बेगम और बस्तामी दोनों ने ही उसे देखा था ठीक है जैसा तुम चाहो लेकिन सब बहुत शानदार होना चाहिए संदल की खूबसूरती के एन मुताबिक इस चीज़ की आप फिक्र ही मत करें रुबानी ने खलाओं में देखते हुए बोला था उसके लहू पर बहुत ही सह खंदा सी मुस्कुराहट मचल रही थी और इस गंदी सी मुस्कुराहट में वो चलाक लोमड़ लग रहा था संदल को इन दिनों तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था वो बुखार जो पहले अफशीन को चढ़ा करता था अब अफशीन की रुख्सती के बाद संदल को चढ़ने लगा था शरीर सर्दी के बावजूद दिन रात उसका माथा चलता था चांद अम्मी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थीं लेकिन उसका बुखार कम होने को नहीं आ रहा था चांद को फिक्र हुई थी क्या हुआ है तुम्हें संदर क्या बद कर ली है तुमने मौसम की वजह से ऐसा हुआ है चांद अम्मी ये मौसम ज़िंदगी में कोई पहली बार तो नहीं आया ठीक हो जाऊंगी आप फिक्र मत करें वो बात को टाल दिया करती थी अफशीन की जुदाई से ज़्यादा उसे आतिल की खुदकुशी ने हसास कर दिया था पीपल के पेड़ से लटकती आतिल की लाश का मंजर ऐसा था जो उसकी आंखों से जाता ही नहीं था वो खौफ से ज़्यादा दुख का शिकार हुई थी मोहब्बत ने एक लड़की को तबाह कर दिया था और लड़की की जान ले ली थी क्या ऐसा ही होता है मोहब्बत का इंजाम हवेली में किसी को आदिल की खुदकुशी की वजह मालूम नहीं थी सबको यही लगा था कि इस लड़के ने महज़ इतफाक से उनकी हवेली के सामने खुदकुशी कर ली है सारा मामला जानती थी तो बस संदल और तहमीना और दोनों ही इस मौजू पर बात नहीं कर सकती थी आदिल की बात जब भी छिड़ी जाती तहमीना वो वो नजरें चुरा जाती थीं और संदल बस उन्हें घूर कर रह जाती थी वो दिन बहुत बेकैफ थे सर्दियाँ मुकम्मल तौर पर आ चुकी थी और पतझड़ की उदासी थी कि जाने का नाम ना लेती थी सारे मौसम में मुर्दा तितलियों की बाँस फैली हुई थी वो तितलियाँ जो अपनी बेरहम कैद की वजह से मर गई थी या शायद उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था कौन जाने असल हक क्या थे दिन की रोशनी में कितना अंधेरा कैद था चांद ने एक दिन उसे ज़बरदस्ती नहाकर उसे नए कड़े पहनाकर कमरे से बाहर भेजा था वो काफ़ी दिनों से अपने कमरे से बंद थी बाहर जाने का उसका मन नहीं था इसलिए वो हवेली की पिछली तरफ का छोटा दरवाज़ा फैलांग कर के बाग में चली आई थी दूर एक बड़े और ऊंचे दर पर एक पिंग थी जो उसने और अफशीन ने वहाँ डाली थी अफशीन को याद करते हुए वो पिंग पर बैठ कर झूलने लगी थी इस खामोश कोशे में आने का मकसद घर वालों से छुप जाना था ना जाने क्यों वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी उसका इन दिनों मीर साद से मिलने का भी मन नहीं था और यही जोर तोड़ कर रही थी कि जब अफशीन घर में आएगी तो उसे वो कैसे बताएगी कि आदिल मर चुका है उससे खुदकुशी कर ली है बेचारी संदल भला ये कैसे जान सकती थी कि अब वो भला कहाँ सारी जिंदगी अफशीन को देख पाएगी गहरे नीले आसमान को देखते हुए वह ऐसे ही सोचों में गुम थी जब रावानी वहाँ आया था संदल जी रवानी बाबा वो चौंक का खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी थी यहाँ क्या कर रही हो कुछ नहीं पिंग झूल रही हूँ उससे बिलावजा ही पिंग की रफ्तार बढ़ा दी थी तुम तो ठीक से पिंक भी नहीं झूल रही हो देखो जरा अपने चेहरे को कैसा उदास नजर आ रहा है रूपानी ने कहा वो संदल ने सब ठीक है कि अदाकारी करना बंद कर दी थी वो मजीद उदास नजर आने लगी थी क्या बात है मुझे बताओ मुझे अफशीन याद आ रही है क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो जी क्यों नहीं वो चहक कर बोली थी तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा क्या सच में बिल्कुल सच लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा क्या घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हें उनके सामने सितार बजाना होगा बस इतनी सी बात अगर तुम इतना सा काम कर दोगी तो फिर मैं तुम्हें लाहौर ले जाऊंगा अफशीन से मिलवाने मैं कर दूंगी लेकिन बताएं कि घर पे आ कौन रहा है बस्तामी के का कुछ दोस्त हैं उनकी खास दावत करनी है अच्छा खाना अच्छा इंतजाम और फिर उन्हें तफरी भी देनी है तो मैंने सोचा कि इसी बहाने तुमसे सतार सुन लिया जाए हम भी तो देखें कि तुम सतार को कितने अच्छे से जानने लगी हो क्यों नहीं मैं बचाऊंगी और बहुत दिल से बचाऊंगी संदल ने मुस्कुराते हुए कहा था अफशीन से मिलने की खुशी तो एक तरफ उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो एक बड़े मजमे के सामने सतार बचा कर उन्हें महसूस करने वाली है तो फिर मैं तुम्हें बहुत जल्द अफशीन से मिलवाने ले जाऊंगा ठीक है उसे रसामंदी दे रही थी और फिर वहाँ से उठकर इस छोटे दरवाजे की तरफ भरी थी जो हवेली के अंदर की तरफ खुलता था उसने गहरे सूर्ख रंग का जोड़ा पहना था जिसका घेर इतना वसी था कि उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी कमर पर किसी ने कपड़े के बोझ से थान बांध दिए हों उसी मुनास्बत से उसका भारी दुपट्टा भी काफ़ी वसी था जिसे उसने दोनों बाँसों में डालने का सोच रखा था उसका ख्याल था कि दुपट्टे की सेटिंग इस तरह से काफ़ी अच्छी लगेगी गले और कानों में उसने भारी झुलरी पहनी थी और हाथों को खाली ही रहने दिया था ये उसके उस साथ मोहतरम ने उसे बताया था सतार बजाते हुए हाथ के कंगन की खनखनाहट सतार की आवाज़ से मिलकर उसके हुसन को तबाह कर सकती थी इसलिए उसने हाथों में कुछ नहीं पहना था बालों को उसने कुछ इस ढ्ब से बांधा था कि वो खुले हुए भी दिखते थे और बंधे हुए भी सारी तैयारी करते हुए वो बहुत खुश नजर आ रही थी एक तो इस वजह से कि वो आज पहली बार एक हजूम के सामने सतार बजाने जा रही थी और दूसरा इस वजह से कि आज मीरजाद भी आने वाला था तकरीब का बहाना बनाकर उसने उसे, उसे, उसे मधु कर लिया था चांद वहाँ आई थी उसे संदल को देखा था और उसके चेहरे पे नागावारी फैली थी तुम इस कदर तैयार क्यों हो रही हो संदल उनका लहजा सकता इस संदल ने नज़रअंदाज कर दिया था मेरी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस है चांद अम्मी मैं तैयार कैसे ना हूँ एक तो तुमने मुझसे पूछे बिना सबके सामने सत्तार बजाने की हामी भर ली मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा रूबानी भाबा ने इतने प्यार से कहा था मैं इनकार कैसे करती उसकी बात तुम तब मानती जब वह सत्तार को खुद सुनने की फरमाइश करता सौ लोगों के दरमियान बिठा दिया है उसने तुम्हें आपको बुरा लग रहा है वो बनावटी अंदाज में हमदर्दी करते हुए बोली थी हाँ क्योंकि सामी की महफिल मुझे कभी पसंद नहीं आई ना जाने किस किस को बुलाया है उसने कैसे लोग हैं कौन हैं किस मिजाज के हैं चांद ने कहा तो उसे उन सब बातों की नज़ाकत का एहसास हुआ था माफी चाहती हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी मुझे नहीं पसंद मेरी बेटी किसी गलत नीयत वाले आदमी के सामने जाकर बैठ जाए वो भी सच धच कर चाँद को सुंदल पर काफ़ी गुस्सा था जो चाँ का नाम नहीं ले रहा था गुस्सा उस तो उससे बस्तामी पर भी था कि वो हवेली में क्या कुछ करने लगा है लेकिन चूंकि वह के मामला में कम कम बोला करती थी इसलिए उसने बस्तामिक से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा था मुझसे वाकई में ही गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती ना हो आज कर लो और फिर कोई कहे भी तो साफ इन मना कर देना जी अच्छा जान अपनी कहकर वहाँ से चली गई थी वो चंद लम्हे तो खामोश रही थी फिर दोबारा से तैयार होने लगी थी ठीक है जो होना था हो गया है लेकिन अब मैं अपना पहला शो पूरी तैयारी से करना चाहती हूँ रोज़ सिंगार मेज़ की तरफ करते हुए वो फिर से तैयार होने में मशगूल हो गई थी आज भान भान के लोग आने वाले थे उसे सब पर अपना सहर भी तो तारी करना था और सबसे बड़ी बात आज मीर भी तो आने वाला था कहाँ जा रहे हो मीर आईने में खुद को देखते हुए वो खुद पर परफ्यूम का स्प्रे कर रहा था जब सोया वहाँ आई थी उसने तैयार श्यार मीर को देखा और फिर ज़ाहिर है उसका ये सवाल पूछना तो बनता ही था संदल के घर वो साफ करी से गोया हुआ था क्या करने आज उनके घर कोई तकरीब है पार्टी समझ लें संदल ने मुझे भी बुलाया है हैरत है संदल ने मुझे नहीं बुलाया इस मामले में मुझसे ही गलती हुई मैं संदल को कह चुका था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है हाँ वक्त ही खराब थी इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तायमी बीमार हूँ आपने चलना है तो साथ चल सकती हैं नहीं बिन बुलाए मेहमान बनकर जाना मुझे पसंद नहीं तुम जाओ जी कहकर वो फिर से तैयार होने लगा था सोया उसे देख रही थी उसकी नसरों में नागंवारी थी चंद नम्हे देखते रहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी उसके जाने के बाद मीर ने गहरी सांस भरी थी सोया की नजरों के अताब से बचना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था अपने कमरे में पहुँच सोया ने फ़ौरन से सोहेब को कॉल की थी सोहेब तुम फ़ौरन से हवेलियाँ आ जाओ तानिया को अपने साथ ले आना मैं चाहती हूँ इसी जुम्मे को तानिया और मीर की मंगनी कर दी जाए फोन बंद हो जाने के बाद सोया तसल्ली से मुस्कुराई थी सारी हवेली को बहुत अच्छे से सजा दिया गया था फूलों से रोशनियों से हवेली के चारों तरफ की दीवारों पर बड़े बड़े कुमकुमों वाली लड़ियाँ लगा दी गई थी और जगह जगह फूलों के गुलदान रख दिए गए थे सारी हवेली ही चकमग करने लगी थी बैठने का सारा इंतज़ाम हवेली के सहन में किया गया था सारे फरश पर सुख कालीन बिछवाए गए थे जिन पर गोल टेबल लगवाए गए थे इन गोल टेबलों के अतराफ में कुर्सियाँ लगवाई गई थीं। यह अपनी तर्ज का अनोखा इंतज़ाम था जो हवेली की खातिन ज़िंदगी में पहली बार देख रही थीं खाने के लिए बाहर से बार्ची बुलवाए गए थे घर की बाचियों पर भरोसा नहीं किया गया था खाने के लिए बर्तन भी बाहर से ही आए थे और वो इतने जदीद थे कि ऐसे बर्तन पहले सपने बस टी वी ड्रामों में देखे थे पहले पहल तो हवेली के सभी मकीनों ने इस पार्टी में दिलचस्पी ली थी लेकिन फिर एन पार्टी वाले दिन सब पीछे हो गए थे तकरीब कुछ अजीब रंग अख्तिया कर दी जा रही थी पहले तो सबको इसी बात पर बहुत हैरत हुई थी कि मर्द और और औरत की कुर्सियों में कोई पर्दा नहीं है सब ने एक साथ बैठना है फिर गोल टेबल जिस पर जाम सजाए जा रहे थे यहाँ तक भी बात हदूत से निकली हुई ना थी लेकिन शाम होने तक सारी लड़कियों ने देखा कि गोल पर ताश भी रखी जा रही थी शतरंज सी बाजियाँ सजाई जा रही थी ये कैसी तकरीब थी यहाँ तक भी शायद बर्दाश का मुशाहरा किया जा सकता था लेकिन जब वहाँ शराब की बोतलों के कार्टन पहुँचे तो सब लड़कियों ने चीख मार दी थी तुम में से कोई चांद को मत बताए कि ये सब कुछ हो रहा है उन्होंने मुझे हर किस सतार नहीं बजाने देना लेकिन संदल तुम खुद ऐसी जगह सत्तार बचाना ही क्यों चाहती हो मैं ये सब अफशीन के लिए कर रही हूँ अफशीन के लिए तुम अब क्या कर सकती हो उस बेचारे के साथ जो होना था हो गया है मैं उससे मिलना चाहती हूँ रोहानी बाबा ने कहा है वो मुझे उसके पास ले जाएंगे तुम सब प्लीज़ चाँद अम्मी को कुछ मत बताना नहीं बताएंगे लेकिन हम सब में से कोई तकरीब में शरीक नहीं होगा तो फिर मीर को कंपनी कौन देगा मुझे तो दूर बैठकर सतार बजाना है उसे आज अकेला ही रहने दो हमारी माओ ने सख्ती से मना किया है कि आज कोई कमरों से बाहर नहीं निकलेगा सब कसम कहकर वहाँ से निकल गई थी संदल को वक्ति तौर पर शर्मिंदगी हुई थी कहीं रूबानी के सामने सतार बजाने की हामी भर कर उससे गलती तो नहीं कर ली थी जो भी था अब पीछे नहीं हटा जा सकता था तकरीब का वक्त शुरू होने में चंद ही मिनट रहते थे जो जो शाम गहरी होने लगी थी हवेली में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था सबसे पहले तो रोशन बेगम पहुंची थी और उसके बाद ना जाने कौन कौन पता नहीं वो कौन लोग थे और कहां कहां से आ रहे थे लेकिन इतनी शान शौकत से आ रहे थे कि खिड़कियों से झांकती लड़कियों के दिल धक से रह गए थे हवेली के बाहर शानदार भगियों का हजूम इकट्ठा हो चुका था चीप मर्सिडीज और कौन सी गाड़ी थी जो महंगी नहीं थी उन सब सवारियों में से अमीर कबीर लोग निकल रहे थे दौलत के वाफरानी जिनके चेहरों पर लिखी हुई थी आहिस्ा आहिस् हवेली का सहन भरने लगा था उन सबको मशरूत पेश किया जा रहा था लोग खुश कपियों में मशगूल हो गए थे कुछ मर्दों ने शिकार लिए थे मर्द तो मर्द वहाँ तो कुछ औरतें भी सिगरेट पीने लगी थी खिड़की से झांकते हुए लड़कियाँ दम बहूत हो चुकी थीं औरतों के पहनावे बहुत अजीब वस थे लेकिन जो भी था उन पर जच रहा था मीर भी आ चुका था और वो एक कोने में कुछ हैरान और परेशान बैठा हुआ था कैसा अजीब सा माहौल बना हुआ था आज हवेली के सहन में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा हो ताश शतरंज शराब संदल लोग तो काफ़ी खानदानी थे फिर ये सब क्या था वो संदल से इस बारे में पूछता लेकिन उसे नज़र ही नहीं आ रही थी वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि वो आज सोया के साथ यहाँ नहीं आ गया वो जिसे पहले ही लोग पसंद नहीं आते थे आज अगर वो यहाँ आ जाती तो उसे इन लोगों से नफरत हो जानी थी थोड़ी देर के बाद संदल वहाँ आ गई थी उसके पायलों की छन छन ने सबको उसकी तरफ मतवजा किया था सब अपनी अपनी बातें छोड़कर संदल को देखने लगे थे संदल को ये सब अच्छा लगा था फिर वो वस्त में पड़े कतरे नीचे गोल टेबल पर बैठ कर सत्तार लगी थी पता नहीं कौन सी धुन बजा रही थी वो क्या गा रही थी लेकिन सब ऐसे सरदन रहे थे जैसे सब बचपन से सतार को सुनते चले आ रहे हों और सतार के रस्सियाँ हों ताश और शतरंज की बाजियाँ थोड़ी देर के लिए मौकफ हो गई थीं, उठे हुए जाम लबों तक नहीं लग सके थे रोशन ने सबसे कहा तो था कि वो तकरीब में वो एक कोहे नूर को भी बुलाएगी लेकिन ये कोहे नूर ऐसा रोशन होगा किसी ने कहाँ सोचा था रोशन बेगम अस्तामी और रुबानी तीनों मेहमानों का हर तरह से तफरी कर रहे थे रोशन बेगम तो तकरीबन वहाँ सबको ही जानती थी क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उसके ग्राहक हाँ थे वो सबसे चहक चहक कर बातें कर रही थी और पूछ रही थी कि उन्हें संदल कैसी लगी सत्तार बजाते संदल को एहसास तक रखना था कि वो गली ससरों वाले मर्दों के दरमियान एक सजावटी गुड़िया की तरह बैठी है मर्द उसके सत्तार को सुनने से ज़्यादा उसे सर से पैर तक देख रहे हैं परख रहे हैं जांचने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ एक मीर था जो से उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था रोशन बेगम बात सुनिए एक बारोब आवाज़ रोशन बेगम के कानों में उतरी चहकते हुए वो पलटी उन्हें पुकारने वाला कमाल था कश्मीरी कालीनों का ताजर जी फरमाइए ये लड़की कौन है संदल नाम है इसका मेरी ही बेटी समझ लें आप मुझे पसंद आई है कमाल ने मुस्कुराकर कहा था पसंद तो बहुत को आई है बात तो कदर की है ना कमाल साहब के हीरे को कौन कितने कैरेट के सोने में जुड़वाता है क्या तो आप ठीक रही हैं अभी उन साहब से बात हो रही थी कह रहे थे कि अभी के अभी दस मुरब्बा जमीन नाम लगाने को तैयार हूं लड़की के लेकिन आप सौदा तय करने से पहले मुझे जरूर बताइएगा आप बात तो करें ऑफर पसंद आई तो समझिए माल आपका हुआ रोशन बेगम ने कहा था और फिर बस्तामी को इशारे से वहाँ बुला लिया था उन्हें कमाल की बेताबी से अंदाज़ा हुआ था कि यहाँ से संदल की ज़्यादा कीमत हाथ लगा सकती है एक किलो सोना कमाल ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा था रोशन बेगम और बस्तामी दोनों ने एक दूसरे को देखा था डेढ़ किलो कमाल को लगा था उससे कम दाम लगाया है मंजूर है बस्तामी ने रसामंदी दे दी थी संदल आपकी हुई रोशन बेगम ने मुस्कुराते हुए बात फाइनल की थी कमाल हवस भरी नजरों से संदल को देखने लगा था बस में बैठी संदल को अंदाज़ा तक नहीं था कि उसका सौदा तय हो चुका है बाकी आइंदा मां इंशाल्लाह।